मैं सहमत नहीं हूँ। चुप रहना भी गुनाह है, चुप रहना भी देशद्रोही है, चुप रहना भी इस देश के साथ धोखा है। हम एक सच्चे भारतीय हैं, हम वो गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर की संतान है जिन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को बचाने के लिए अपने चीज को चांदनी चौक में निछावर किया था। अरे कितनी देर तक ये चीजें बर्दाश्त होगी कि पंजाब को इन्होंने धरने का पंजाब बना दिया, पंजाब जो छोड़े की चिड़िया थी इन्होंने रोज रैली और धरनों का पंजाब बना दिया। हमारे साथ इस वक्त MS बिट्टा जुड़ गए, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन है। बिट्टा जी, जो खालिस्तान की मांग करते हैं और खासकर ये अमृतपाल, इसे लेकर एक सस्पेंस लगातार बना रहा है। मैं बार बार कह रही हूँ, 6 महीने पहले इसके भारत आने की खबर आती है, समर्थकों की फौज जुड़ जाती है और खालिस्तान की बात करता है। देखो बहन जी, मैं आपको सारी बातों का आगे एक हल बताता हूँ, नहीं तो ये चलते रहेंगे खालिस्तान के नारे। पहली बात तो हम पहले भी कह चुके, आज भी कहते हैं, खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे। बनेगा तो बम्बों से टूटे हुए शरीर से, जख्मी शरीर से, हमारी लाशों से गंदी हनेरी की तरह निकल जाएगा। ये हिंदुस्तान दुनिया में बैठे हुए हर सच्चे भारतीय को मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, सिख कौम लोगों के लिए गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कुर्बानियां, बच्चों ने, उनके साहबजादों ने कुर्बानियां देके सजाई। क्या किसी को मारने के लिए सजाई? क्या खालिस्तान बनाने के लिए की? अगर आप सवाल पूछे खालिस्तान का मतलब की बात करें, कौन सा खालिस्तान चाहता है अमृतपाल? कौन से खालिस्तान चाहते हैं? या कनाडा, अमेरिका, या अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर अम्बेसियों को घेरने वाले, मंदिरों का अपमान करने वाले, हिंदू सिख एक नौ मास का रिश्ता, हिंदू सिख एक रोटी बेटी का रिश्ता, क्या ये वो खालिस्तान चाहते हैं? 2 घंटे में खालिस्तान खत्म करना चाहते हैं पंजाब के अंदर? क्या हरियाणा के अंदर गुरुद्वारा साहब में पासपोर्ट के जरिए जाएंगे? क्या पटना के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी का वो पवित्र स्थान क्या पासपोर्ट के जरिए जाएंगे? क्या दिल्ली के अंदर बंगला साहब रकाबगंज के जरिए जाएंगे? मैं इनको सवाल पूछना चाहता हूँ, इन खालिस्तानियों को, क्या नदेड़ साहब महाराष्ट्र के अंदर एक कोने के अंदर आंध्र प्रदेश के पास, जहाँ गुरु गोविंद सिंह महाराज का आखिरी स्थान गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, क्या हमें पासपोर्ट के जरिए भेजना चाहते हैं? क्या इन खालिस्तानियों को पूछना चाहता हूँ, क्या मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर के अंदर गुरु महाराज का वो पवित्र स्थान, क्या हमें खालिस्तान, ऐसा खालिस्तान चाहिए? कैसा खालिस्तान चाहते हैं? इनके दिमाग काम नहीं करते, ये सिख कौम को बदनाम करते हैं। इन्होंने क्या किया अमृतपाल ने? गुरु महाराज के स्वरूप को लेकर के उनको ढाल बना करके चले गए थाने में, पुलिस स्टेशन के अंदर। ये इनके दिमाग हैं बेवकूफों के। और वहाँ क्या शराब है, शराब है वहाँ, नार्को टेररिज्म है वहाँ, गंदगी है वहाँ, कई ऐसे गलत लोग हैं वहाँ। गुरु ग्रंथ साहब ले गए, और उससे पहले क्या हुआ था? अब कईयों को बुरे लगेंगे मेरी बातें, हरमंदर साहब को भी ढाल बनाया था बिंडरा वाले ने, नाम लेने को आज कोई डर नहीं। थर थर कांपते मैं बोलता हूँ, अपनी आंखों के सामने देखा, अगर हरमंदर साहब के अंदर हथियार ना जाते, अगर हरमंदर साहब को किला ना ढाल ना बनाया जाता अमृतपाल की तरह, क्या ब्लू स्टार ऑपरेशन होता? क्या इंदिरा गांधी का कत्लेआम होता? क्या 84 के दंगे होते? अब एक पत्रकार सवाल पूछ रही है हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से, पूरे देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी के बारे में एक इतना सा सवाल पूछा जाता है, क्या पंजाब में खालिस्तान बनेगा? तो हिंदुस्तान का जो होम मिनिस्टर क्या जवाब दे? को आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा, खालिस्तान नहीं बनेगा। 2 सेकंड के अंदर ये बयान और ये जवाब, पहले इंदिरा गांधी मारी, फिर होम मिनिस्टर अमित शाह को मार देंगे। क्या हिंदुस्तान धर्मशाला समझ रखा है इन्होंने? कभी आप 26 जनवरी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना हुआ तिरंगा झंडा, पहला झंडा आजादी के बाद का, जहां बाबा साहब अम्बेडकर, जहां लाल बहादुर शास्त्री, जहां सरदार पटेल, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लहराया था, क्या उस तिरंगे झंडे का अपमान करके और दिल्ली पुलिस के जवानों को रोल डाला? दिल्ली पुलिस के जवानों ने कहा हमारे सिख भाई हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा 26 जनवरी का दिन अगर एक गोली चली, पता नहीं मेरे कितने सिख भाई शहीद हो जाएंगे, मारे जाएंगे, मैं सिख कौम का मान सम्मान करता हूँ। एक गोली नहीं चली, एक लाठी नहीं चली, पुलिस ने लाठियां खाई। और उसके बाद बॉर्डर के अंदर तलवारियों की तरह
व्यक्ति को पकड़ा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। कोरोना काल के अंदर, पटियाला के अंदर तलवार निकाल के निहंग सिंह जी आए, सिख कौम को बदनाम करके पुलिस वाले का हाथ, ये हमारी पहचान इन्होंने कर दी। सवाल सबसे बड़ा, मेरी बहन कितनी देर तक पगड़ी वाले मेरी तरह सरदार मेरे भाई गुरुद्वारा साहब के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के पंजाब में नहीं, ये नहीं कहेंगे कि ये खालिस्तानियों के हम खिलाफ हैं, ये जैश रोइये के खिलाफ हैं। बिट्टा साहब, आपने तो एक पूरा समय देखा जब टेररिज्म पंजाब में रहा, ये बॉर्डर स्टेट है पंजाब और यहाँ पर किसी भी तरह का अगर हमें लगता है अराजकता पांव फैला रही है उस पर क्रैकडाउन इमीडिएटली उसी समय बहुत जरूरी है। देखो मेरी बहन, मैंने तो देखा, हमने तो तिरंगे झंडे लेके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों की लड़ाई थी। ये जो सरदार राजेंद्र सिंह जी बैठे हैं ना जी, ये नए नए पुलिस में आईपीएस भर्ती हुए थे, बड़े छोटे यंग थे और रेबन का चश्मा पहनते थे। मैंने देखा मौत का कफन बांध करके इन्होंने, ये तो पता नहीं कैसे जिंदा है, ये भी एक जिंदा शहीद की तरह, हमने ये भी है, इन्होंने मौत का कफन बांध करके इन्होंने भी लड़ाई लड़ी, हमने तो लड़ी। इनका पुराना इतिहास मैं जानता हूँ और अमृतसर का इतिहास, जहाँ से आतंकवाद की नींव रखी गई, आज तो ये रिटायर हो गए पर इनके इतिहास को जानता हूँ। मैं आपको एक बात पहले जो कही अब कहना चाहता हूँ, एक ही बात पे अड़ा रहूंगा, बहुत कुछ देख लिया जी। पुलिस, फौज, रॉकेट लॉन्चर, गोलियां, बम को खात्मा करना चाहते हो ना, हिंदुस्तान के हर गुरुद्वारा साहब से सिख संगत और कोई नहीं, आप बोलेंगे, बख्शी जी बोलेंगे, कोई और बोले, अरे ये तो फिरका प्रश्न है, अरे हिंदू ऐसी गंदी भाषा का ये लोग प्रयोग करते हैं। सिख समाज से चुप नहीं रहना, कई कहते हम तो इनके साथ नहीं है, मैं सहमत नहीं हूँ, चुप रहना भी गुनाह है, चुप रहना भी देशद्रोही है, चुप रहना भी इस देश के साथ धोखा है। हर गुरुद्वारा साहब से सिख संगत इकट्ठी हो, बॉम्बे के अंदर हो, पूना के अंदर हो, मध्य प्रदेश में हो, यूपी में हो, और कहें रोइयों के खिलाफ है, जिनके कारण ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, जिनके कारण चुनौती के दंगे हुए, जिनके कारण 36,000 बेगुनाहों का कतलेआम हुआ, जिसके कारण हमारी सिख कौम पे दाग लगा। हम एक सच्चे भारतीय हैं, हम वो गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर की संतान है जिन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को बचाने के लिए अपने चीज को चांदनी चौक में निछावर किया था। हम ये भूखे नंगे पाकिस्तान में खालिस्तानी मिलने वालों के जो रोज गुरुद्वारा था, जो रोज मंदिरों का, जो कनाडा में मंदिरों का, जो ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों का, जहाँ खालिस्तान के नारे लिखे जाते हैं। अभी पहले तो किसान आंदोलन चला जी, ना बख्शी साहब खिलाफ थे, ना मैं खिलाफ था, ना सरदार राजेंद्र सिंह, हम सब में से बैठे शायद कोई खिलाफ नहीं था, ठीक है, हर इंसान को मांग रखने का हक है। पर आपने देखा किसान आंदोलन के अंदर खालिस्तानियों ने क्या क्या निवाह किया। ये दीप संधु खालिस्तान आंदोलन से निकला था ना, किसान आंदोलन से निकल करके तिरंगे झंडे का अपमान किया, नीचे खालिस्तान के नारे लगाए थे ना, कनाडा से फंडिंग आई थी, ISI से फंडिंग आई थी। सवाल ये है कि उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने सिख कौम के आगे, इनके आगे नहीं, सिख कौम के आगे सिर झुकाया, क्षमा मांगनी, सिर पे पटका बांध करके कि चलो मैं, मुझे क्षमा कर दो, मैं क्षमा चाहता हूँ। उसके बाद अब जो चले गए पंजाब के अंदर, जिन्होंने 36,000 बेगुनाहों का किया, चंडीगढ़ के अंदर धरने लगा दिए, उसमें वो लोग जिन्होंने वहां चीफ मिनिस्टर को मारा, जिन्होंने मेरे ऊपर दिल्ली में बम ब्लास्ट किया, 35 लोग शहीद हुए, पुलिस के ऊपर लाठीचार्ज किया। अब इन्होंने जाकर के ये गुरु ग्रंथ साहब लेके नया काम शुरू कर दिया। अरे कितनी देर तक ये चीजें बर्दाश्त होगी कि पंजाब को इन्होंने धरने का पंजाब बना दिया, पंजाब जो छोड़े की चिड़िया थी इन्होंने रोज रैली और धरनों का पंजाब बना दिया। अब जो निकल चुका, मुझे नहीं लगता कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पूछे बगैर कोई स्टेप उठाया हो, मुझे नहीं लगता कि स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो इस चीज से पीछे हटे। अब है तो पूरा उसको करना पड़ेगा, जिस तरीके से बख्शी साहब ने कहा, इन्होंने पुराने इतिहास को देखा है, अगर मैं पुरानी बातें बताऊंगा जो बख्शी साहब ने कही तो मेरी पगड़ी पे भी मैडम दाग लगेगा, हमने कितने गलत काम इस पगड़ी पहन करके पगड़ी को बदनाम करने के लिए किए।